चुनाव से ठीक पहले एसपी के गठबंधन में क्यों आई दरार? एसपी गठबंधन में सीटों को लेकर आखिर कहां फंस रहा है पेंच? यूपी में चुनाव करीब आते ही सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक ओर जहां एसपी प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीटों को लेकर सहयोगियों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। मनमाफिक सीटों के चक्कर में ये दल अखिलेश की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीटों को लेकर एसपी गठबंधन में दरार भी दिखने लगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी के साथ इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर एसपी संघ खींचतान चल रही है। यही वजह है कि शुरू में हर मुद्दे पर बयान में आगे रहने वाले ओम प्रकाश राजभर की आवाज धीमी पड़ गई है। इसका कारण दोनों दल अपने लिए कुछ चुनिंदा सीटें चाहते हैं, लेकिन एसपी उन्हें नहीं दे रही है। ऐसे में अभी भी दोनों दल अखिलेश यादव पर सीटों को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। दोनों दलों ने जातिगत समीकरण वाले सीटों की लिस्ट अखिलेश यादव को बहुत पहले ही सौंप दी थी, लेकिन एसपी ने कई सीटें ऐसी दी हैं जिन पर न तो इनके जातिगत समीकरण ठीक बैठते हैं और ना ही उनके किसी नेता का वहां वर्चस्व है। इसी तरह अपना दल यानी कमीरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी उन सीटों पर अपनी ही दावेदारी कर रखी थी जिन पर कुर्मी वोटरों की संख्या अधिक है। लेकिन एसपी ने पल्लवी पटेल को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौशाम्बी की सिराथू सीट पर उतार दिया। इसे लेकर अपना दल के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। इस सीट के ऐलान के तत्काल बाद ही पार्टी ने एसपी को अपनी मंशा से अवगत करा दिया था। उधर अखिलेश यादव राजभर की पार्टी को 16 सीटें दिए जाने के पक्ष में हैं। राजभर अभी तक 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच अभी भी कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। खास बात यह है कि बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। असल में वो अपने बेटे के टिकट को लेकर ही एसपी में गए थे, लेकिन उनकी ये इच्छा एसपी ने भी पूरी नहीं की, जिससे वो असहज हो गए हैं। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की एसपी में कोई बात नहीं सुनी जा रही, यहाँ तक कि स्वामी की सीट भी बदल दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव सहयोगियों के साथ सीटों पर पेंच जो फंसा है उसे कब तक सुलझाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।